हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जेम पोर्टल पर जो नया अपडेट आया है रिगार्डिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली जेम पोर्टल पर ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। जैसे ही जेम पोर्टल में क्या है कि आप क्लिक जेम वेबसाइट खोलेंगे, तो हम दोबारा खोल लेते हैं, ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो ऊपर नीचे आ रहा है इंटरेक्टिव लर्निंग कोर्सेज, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा यहाँ पर, जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में इंटरेक्टिव ट्रेनिंग कोर्सेज। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंटरेक्टिव ई लर्निंग कंटेंट है, सेलर के लिए भी कोर्सेज दिए हुए हैं जिनको आप करते भी जा सकती हो, और ये इस तरीके से कोर्सेज भी हैं सेलर के लिए, ठीक है। बायर के लिए भी है, ऐसे बायर के लिए भी कोर्सेज दे रखे हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोक्योरमेंट मोड कैसा है, मिनिस्ट्री स्पेसिफिक मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, फॉरवर्ड ऑप्शन, विवाद से विश्वास वाली स्कीम के बारे में दिया हुआ है। तो और इंटरेक्टिव बायर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अलग से इसमें दिए हुए हैं, लेवल 1 लेवल 2, ये जो हैं सर्टिफिकेशन कोर्स, ये सब कुछ दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्सेज करना है तो आपको ये, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये करना है कोर्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा या नया अकाउंट बनाने पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइम है तो आपको एक फर्स्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो अकाउंट है उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है या तो बायर या सेल। देखो आप जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये रोल पूछेगा बायर, सेलर और अदर। तो बायर है तो बायर के केस में आपका जो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, NIC वाला ईमेल आईडी वो होना चाहिए, और सेलर के केस में भी जो है आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो होना चाहिए उसके, ऑलरेडी आप सेलर ऑनबोर्डेड है उस केस की बात है। अदर्स उनकी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, जब आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या मतलब जो है जो है कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उस केस में जो है जेम पोर्टल जो है आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा देन रजिस्टर के। तो बेसिकली बायर और सेलर जो ऑलरेडी जेम पोर्टल पर रजिस्टर है, इसके लिए एक अपना नया अकाउंट बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना अकाउंट बना लिया तो प्रोसेस सिंपल है। जैसे मान लो मैं अपनी डिटेल डालूँगा, ईमेल आईडी डालूँगा, और जो जो भी फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको डालना है, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल मेरा रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ सेलर, तो आपको क्रिएट माय अकाउंट में ये बोलेगा कि जो भी पासवर्ड है, फिर सेलर में जो है मेरे को ऑर्गेनाइजेशन टाइप डालना है, फिर उसका नाम डालना है, सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, MSME भी स्टार्टअप, और उसके बाद जो है मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, तो बेसिकली क्या है कि आप इसमें अपनी करेक्ट डिटेल भरेंगे तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बायर लॉगिन करके जो है अपना जो है बता देता हूँ। तो उस केसेज में जो है मेरा जो है कोर्सेज जो है वो आ रहे हैं, इंटरेक्टिव कोर्सेज, प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन, सेकेंड यूजर रजिस्ट्रेशन, प्राइमरी यूजर प्रोफाइल अपडेशन, बायर क्रिएशन आईडी, इंडेंटर रोल, L1 परचेज, बिड क्रिएशन, बिड टू आर ए अवार्डिंग, बिड अवार्डिंग, डायरेक्ट परचेज सर्विस, डायरेक्ट परचेज सर्विस, L1 लोकल परचेज फिल्टर, टेक्निकल। तो ये जो बेसिकली जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट कंटेंट आया है। आप एक बार ये इसको सभी एक्सप्लोर कर लीजिए एंड देन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।